Hello students, good morning. You are welcome to Standard 8 Maths Classes, Noblewood School. जैसा कि आपको पता है, previously हम Chapter 2 में Puzzle वाले सम कर रहे थे, ठीक है? Puzzle वाले सम में अब हम आगे जाते हैं, Number वाले और Age वाले सम जो है वो सारे हमने complete कर लिए थे. अब उसके बाद कुछ Geometrical Shapes वाले सम है, वो one by one करके मैं लेकर जाता हूँ. सबसे पहली चीज, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. कैसा स्विमिंग पूल है? रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल पता है ना आपको, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स. ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है. इसको आप लेंथ, इसको भी लेंथ, इसको ब्रेथ एंड इसको ब्रेथ बोलते हो, पता है? सो उसकी पेरीमीटर गिवन है. अब आपको इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, ठीक है? सो अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, देन आपको ये सम समझने में प्रॉब्लम होगी. पेरीमीटर कितनी गिवन है? 154. अब मैं आपको बता दूं पेरीमीटर का मतलब क्या होता है. पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी ये जो बॉर्डर है ना पूरी, उसकी लेंथ का मेजर, उसकी लेंथ. कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप की जो बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर की लेंथ जो है उसको कहा जाता है पेरीमीटर. और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच में ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये पोर्शन मैंने जहां पे ये लाइनिंग की है, उसका मेजर जो होता है उसको कहा जाता है एरिया, ठीक है? ये दोनों चीजें ध्यान में रखना. अब देखिए, पेरीमीटर जो है बॉर्डर को कहते हैं. तो बॉर्डर में क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ कितनी बार आई? 2 बार. 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ. तो 2 अगर आप कॉमन आउट करोगे तो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B, ठीक है? फॉर्मूला कैसे आता है वो मैंने आपको समझाया. एक्चुअली ये बेस है आपका लोअर स्टैंडर्ड का. अब यहां पे देखिए, पेरीमीटर 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इट्स लेंथ, उसकी लेंथ इज 2 मीटर मोर, वो 2 मीटर ज्यादा है किससे? देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है. वॉट आर दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. पहले तो किसी एक को एज्यूम करना होगा, लेकिन मोर देन के बाद जो आता है उसे एज्यूम करना है. देन के बाद आता है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को एज्यूम करना है. लेट ब्रेथ ऑफ पुल, या यहां पे आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, लेट ब्रेथ ऑफ पुल इज एक्स मीटर. हम क्या एज्यूम करते हैं? पुल की जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर है. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ पुल इज क्या होगा? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है. ब्रेथ है एक्स, तो उसका ट्वाइस होगा 2x, और उससे 2 मीटर ज्यादा मतलब 2x + 2 मीटर होगा. ये हो गई लेंथ. अब आपको इसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पेरीमीटर का. सो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर. 154 मीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको समझाया, 2 × L × B इज इक्वल्स टू 154. 2 का 2 ऐसे ही, इन ब्रैकेट लेंथ कितनी है? हमने लेंथ क्या ली थी? लेंथ आती है 2x + 2. एल की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2x + 2. प्लस का प्लस, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी एज्यूम में आती है? x. ब्रैकेट इज ओवर इज इक्वल्स टू 154. अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं. 2 पहले ऐसे ही रखेंगे ब्रैकेट में, 2x + x क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. ये 2x + 2 का 4x नहीं होगा, बिकॉज ये लाइक टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? 2x + x का होगा 3x + 2, ब्रैकेट ओवर इज इक्वल्स टू 154. अब 2 का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 2 × 3 = 6x + 4,
टू टू जा फोर इज इक्वल्स टू 154। अब 4 को उधर लेके जाओ प्लस है कैसा होगा माइनस 6x इज इक्वल्स टू 154 माइनस 4। तो अब 6x इज इक्वल्स टू क्या होगा 150। अब 6 को उधर लेके जाओ और आगे का सम जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। पहले x मिलेगा, x का मतलब होगा ब्रेथ मिली, फिर अगर आपको लेंथ चाहिए तो इसमें x की जगह पे वैल्यू रख देना। देखिए मैं बोल देता हूँ आपको आंसर, x आएगा 6 × 2 = 12 = 30 6 × 5 = 25। तो ब्रेथ होगी 25 मीटर, ब्रेथ क्या होगी 25 मीटर, एंड लेंथ जो है इसमें 2 × 25 मतलब 50 + 2 मतलब 52 मीटर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे का सम आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये लिख लेना, फिर मैं इसके बाद का क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 cm। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल, कितनी साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसका बेस गिवन है, बेस का मतलब हुआ वो उसकी डिफरेंट साइड होगी, कौन सी साइड होगी डिफरेंट, इक्वल साइड अलग है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 × 2/15 cm। पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया क्या होता है पेरीमीटर, मतलब उसकी बॉर्डर की लेंथ, मतलब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की बॉर्डर की लेंथ चाहिए, तो सम ऑफ थ्री साइड्स होगा, इट इज द पेरीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब जो टोटल कितनी साइड्स होती है 3, उसमें से एक आपको गिवन है, बाकी जो दो बची वो इक्वल है, तो आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल है, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड साइड्स इज एक्स सेंटीमीटर, कितनी ले लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है 4 × 2/15 है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 15 × 4 = 60 60 + 2 मतलब होगा 62/15। अब सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में 3, एक है 4/3 प्लस दूसरी है x और तीसरी भी x, क्योंकि बाकी की दोनों इक्वल है तभी उसे आइसोसेलेस कहा जाता है, इक्वल्स टू 62/15। अब पहले ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनका एडिशन कर लो, x प्लस x क्या होगा 2x, सो ये हो गया 4/3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 62/15। अब आप बताइए मुझे 3 और 15 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम, बिगर नंबर कौन है 15, 15 × 15 3 के टेबल में 15 आता है, सो 15 इज द एलसीएम। अब आगे का सम तो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, एक्स मिलेगा वहां पे सम ओवर हो जाएगा, क्लियर है। सो इसके बाद का सम जो है वो मैंने क्वेश्चन वहां पे लिख लिया है, लेकिन इतनी स्पेस में नहीं आएगा, सो आप ये पहले लिख लो, ठीक है, फिर आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा, वहां पे ये निकाल दूंगा, उसका कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे करूंगा ताकि ठीक से आपको समझ में आए, क्लियर। सो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करना है, समझना है, अगर एक बार रीड करने से समझ में ना आए तो दूसरी बार रीड करना है। मैंने बोला पहले क्वेश्चन रीड कंपलसरी करना है, समझना है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे एंड सम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। वापस रेक्टेंगल की बात आई, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अभी मैंने समझाया था लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। रिजर्व्स फॉर अ स्कूल, एक प्लॉट है वो स्कूल के लिए रिजर्व है, इन मौली विलेज, विलेज का नाम मौली। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ एंड ब्रेथ कौन से रेशियो में है, 11:4। आपको पता है जब रेशियो गिवन हो तब हम एज्यूम कैसे करते हैं, आएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर ले।
एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर, एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर, रेट गिवन है रुपीज 100 पर मीटर, एक मीटर का रेट कितना है रुपीज 100, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस, फेंस का मतलब पता है ना, फेंसिंग करना मतलब उसकी बॉर्डर के ऊपर जो है फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग कहाँ पे करते हैं, बॉर्डर पे। तो अगर बॉर्डर पे आप फेंसिंग करते हो तो आपको बॉर्डर का मेजर लेना पड़ता है, और बॉर्डर का मेजर मतलब क्या हो जाता है, बॉर्डर का मेजर मतलब क्या हो जाता है, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर नहीं गिवन है, बट पेरीमीटर का कॉस्ट गिवन है रुपीज 100 पर मीटर काउंट करके 75,000। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम रेशियो तो ऊपर से एज्यूम कर लेंगे, मैं सम यहां पे करूंगा ताकि ठीक से दिखे और समझ में आए। लेंथ ऑफ प्लॉट इज एक्स मीटर, लेंथ सॉरी एक्स मीटर नहीं आएगी, रेशियो कितना है 11:4, पहले लेंथ है तो डायरेक्ट क्या आएगा इज 11x मीटर, कितनी होगी 11x मीटर, ये एज्यूम करनी होगी। एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज कितनी होगी, रेशियो में फिर क्या आता है 4x मीटर हो गया। अब क्या है, एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। कॉस्ट ऑफ फेंस द प्लॉट कितना गिवन है आपको, रुपीज 75,000। ठीक है, एंड रेट गिवन है 100 रुपीज पर मीटर। अब 100 रुपीज पर मीटर करके कोस्ट आपको गिवन है, तो कोस्ट के ऊपर से आपको उसका टोटल फेंसिंग कितनी की है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो टोटल फेंसिंग जितनी की होगी वो प्लॉट की क्या होगी, वो प्लॉट की होगी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोअर स्टैंडर्ड में करते थे, देखिए आपको गिवन है रुपीज 100 पर मीटर, मतलब रुपीज 100 इज इक्वल्स टू 1 मीटर, रुपीज 100 जो है वो कितने का कॉस्ट है 1 मीटर का। तो टोटल कॉस्ट कितना होता है रुपीज 75,000, कितना होता है 75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, आपको बताया ना 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे डिनोमिनेटर में ले लेना पड़ता है, 2020 कट, तो ये आया 750 मीटर। एक्चुअली ये जो आया वो फेंस किया है वो आया, मतलब फेंस मतलब क्या आया, पेरीमीटर। देखिए प्रीवियस सम हमने जो रेक्टेंगल वाला किया था उसमें पेरीमीटर डायरेक्ट गिवन थी, उसके ऊपर से हमने इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे हमें कोस्ट गिवन है, कोस्ट के ऊपर से हमने पहले पेरीमीटर फाइंड आउट की एंड आफ्टर दैट सम किया। क्लियर, सो पेरीमीटर मिल गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 × L × B = 750। Therefore, 2 into L means length. Length कितनी assume की है हमने 11x, plus breadth कितनी assume की है 4x = 750। अब यहाँ पे मैं simplification करूँगा, ये दोनों like terms हैं, so इनका sum होगा 11x plus 4x क्या हो जाएगा 15x = 750। 2 का multiply 15 × 2 = 30x = 750। 30 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सम आगे यहाँ पे कंटिन्यू होता है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट मत करना, स्टार्ट यहाँ से होता है, x = 750/30, 0 0 कट, ये होता है 25, 3 = 75, सो 3 3 भी कट, सो x = क्या आया 25। बट एक्स हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट क्या एज्यूम किया था हमने 11x, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 25, 11 × 25 करोगे
तो ये हो जाएगा 275 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होगी। फिर आगे जाएंगे ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ हमने क्या एज्यूम की थी 4x, सो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 25, सो ये हो जाएगी 100 मीटर। ये मिल गया इसके डायमेंशंस एंड सम इज ओवर, क्लियर है। ये हो सकता है ये सम आपको दो बार देखना पड़े, ठीक से देख लेना, क्योंकि पेरीमीटर का इसमें कोस्ट गिवन है, कोस्ट के ऊपर से पहले मैंने पेरीमीटर फाइंड आउट की, फिर इसके बाद जो सम है वो हमने प्रीवियसली करवाया उसके जैसा है, क्लियर है। सो यहाँ पे शायद तो जो ये सम थे ठीक है, मतलब जियोमेट्रिकल शेप वाले वो, हाँ वो सारे खत्म हो गए, जियोमेट्रिकल शेप वाले सारे सम खत्म हो गए। सो चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड बाय।